खाना खा लिया अभी अभी निकलते हैं घर की तरफ। वो नहीं, 105 रुपये ये गलवाना तो पड़ेगा तो 250 से 300 गलवा ले यार, रेट बात सही। 100 में पहुंच जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ तो 200 गलवाए पाछे तो पहुंच जावांगे भाई। राजस्थान में तो 105 रुपये लीटर है बेटा। अभी ना मैं ये लगा हुआ है तो आगे नहीं बिठाऊंगा, पीछे ही बैठी हो, आगे बिठा लेंगे आगे चल के। जब तेरा पापा लेगा ना, तेरा पापा को दूंगा ये, तब बिठा लूंगा आगे। तब बिठाया था ना शाम को, हाँ तो वैसे ही बिठाएंगे ठीक है। सेम इसने में डाल दे भाई, 280 का। तो 200 का डाल दे मेरे में, तो 200 का। या तो चल जाएगी या अभी भी 60-70 किलोमीटर काट देगी। वही निकल दिए हैं पेट्रोल डलवा के, अभी खाटू शाम से वापसी है अपनी। और रास्ते में भाई एक ऐसा ड्राइवर मिला है, बिल्कुल साथ में थी बाइक और ऐसा कट मारा जस उसमें, और तो बाबा ने बचा लिया भाई। और फिर बोल रहा आगे निकल ले आगे निकल ले, आगे क्या निकल ले भाई, अगर चोट लग जाती तो कौन संभालता, जल्दबाजी दुर्घटना दे जाती है, जल्दबाजी में कोई फायदा नहीं है। ऊपर से फैमिली के साथ था मैं तो भाई प्लीज ऐसी जगहों के पे आके ऐसा ना करो, दिमाग बहुत खराब हो जाता है। थोड़े आराम से चलो, कोई कुछ नहीं जा रहा, 1-2 मिनट आगे पीछे तो यही है। अभी तो आगे चल के आपको दिखाएंगे, अभी तो वापसी का है, पेट्रोल डलवाया है, 200 रुपये का डलवाया है। और भाई अपना तो बाइक अच्छा माइलेज दे रहा है, वो होंडा का कुछ दूसरा बाइक ले रखा है 110 सीसी पहलवान ने, वो तो कम दे रहा है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ मैं प्लेटिना ही लूँ या फिर वो सीएनजी वाली लूँ, अभी डिसाइडेड सही तरह है नहीं। अगर वो आते आ जाए ना तो पता चल जाएगा वो इफेक्टिव है भी या नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव तो लग रही है बाइक सीएनजी में और वो चीज़ें सुन के, मगर जैसे प्लेटिना की मार्केट बनी हुई है ना भाई, उसको बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, मगर एक्चुअल में अगर ओके हुई ना, क्योंकि बाद में पता चलता है चीज़ों को लेने के बाद गियर करते हैं ना प्रॉब्लम या और कुछ, तो पता चलता है कि क्या चीज़ सही है और क्या नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और ये आपका मेट्रो स्टेशन है, जस्ट पास में ही है, जो फ्लाईओवर दिखा रहे थे ना टेरेस पे खड़ा होके, तो यही वो फ्लाईओवर है। यहाँ से अब रिटर्न चल रहे हैं, दादरी साइड से निकल रहे हैं अभी, पहले तो भिवानी साइड से आए थे, तो अभी देखते हैं कितना पड़ता है। मोबाइल में तो ज़्यादा कम बता रहा है ये इधर से, बाकी अब जाएंगे तो पता चल जाएगा। अभी अच्छे नज़ारे आएंगे तभी ऑन करूँगा गोप्रो। तो अभी श्यामपुरा में आ गए हैं और यहाँ से निकलते ही ये सामने देखो गाड़ी में बच्चे काफ़ी देर से देख रहे थे, ये देखो गुड़िया, हाय हाय।
टाटा। कैमरा देख के टाटा बाय बाय कर रहे हैं। तो अभी रिटर्न जा रहे हैं, सामने मेरे को पहाड़ जैसा भी दिख रहा है। मतलब राजस्थान में यार अलग ही मजे है, मेरे को तो मजे आ गए भाई। इतना घुमा नहीं था, पहली बार घुमा हूँ। लंबी राइड भी मेरी यही है, और मजे ना दबा के आ रहे हैं जगह देख के। तो मस्त जगह है राजस्थान में। और दूसरा, अभी वहां से आए और 200 रुपये का तो तेल डलवाया ही है, आपको पता ही है। उधर डलवाया मगर 105 रुपये का था भाई वो। 105 रुपये लीटर है राजस्थान में अगर पेट्रोल डलवा रहे हो तो। अगर हरियाणा से आ रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले ही टैंकी फुल करवा सकते हो, प्लेटिना वगैरह हुई तो मे भी वापस भी ले जाए, माइलेज अच्छी देगी। क्योंकि अभी तक जो मेरी कॉस्टिंग लगी है पेट्रोल की, 530 रुपये का मैंने चलते टाइम डलवाया था और 200 रुपये का अभी डलवाया है। तो अभी भी जितना है मेरे को 200 के अराउंड चली जाएगी ये 200 किलोमीटर। देखते हैं अभी कहाँ तक जाती है, कितना बजट रहता है। बाकी लास्ट कंक्लूजन तो खर्चे में जो आता है, लो कॉस्ट या हाई कॉस्ट जितने कॉस्ट में भी होगा, तो एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगी, उसमें आपको पता ही लग जाएगा। तो अभी देखो रास्ते में आपको छोटी सी पहाड़ी तो दिखा देते हैं, बाकी तो दूर दूर से दिख रही है। ये पत्थरों की बनी हुई है, ऐसे टीले वीले लग रहे थे मेरे को तो, मगर पत्थरों की बनी हुई है। कोई पत्थरों की बनी हुई है तो कोई मिट्टी के टीले बने हुए हैं। राजस्थान में ये फिक्स नहीं है कि पत्थरों की ही पहाड़ी मिले आपको, मगर एरिया भाई उमदा है। मोस्ट पॉपुलरली यहाँ बबूल के पेड़ आपको दिखेंगे। जहाँ दूर दूर तो देखोगे ना, जो हरियाली दिख रही है बबूल के पेड़ मोस्ट पॉपुलरली। कभी नहीं बोला मोस्ट पॉपुलरली, यानी 80-90% बबूल के पेड़ दिखेंगे। उन्होंने इतना अच्छा बना रखा है नेचर को। और जहाँ भी देखो, जैसे बारिश के बाद का मौसम होता है ना अपने हरियाणा में, वैसा मौसम अभी दिख रहा है। बारिश तो हो गई होगी इधर। कभी तो आगे भी कोई अच्छी सी ब्यूटीफुल जगह दी थी तो मैं आपको भी दिखाऊंगा फिर से।